बिल्कुल कोर्ट, और ये कोर्ट है, पुलिस प्रशासन है, ये किस चीज के लिए? मजाक थोड़ी चल रहा है इस देश में, क्योंकि 36 घंटे अभी तक बीत चुके हैं। सही बात है, अगर कुछ ही पलों मेरी हत्या कर दी जाए तो उसका दोषी कौन होगा? क्या शासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आज कुछ समय पहले हाई कोर्ट वकील द्वारा मेरे पास कॉल आया उन्हीं के नंबर से, तो मुझसे बोला जा रहा है कि इस मुद्दे को शांत कर दो। मुझे एसपी साहब के यहाँ आश्वासन तो दिया गया था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द हम करेंगे। और ये नाम दोबारा रिपीट करेंगे, क्या क्या नाम था? मनीष दीक्षित, ये मनीष दीक्षित, सन ऑफ श्री रामस्वरूप दीक्षित, दीपक तिवारी सन ऑफ श्री भूमि माफियाओं के द्वारा आपको इच्छा मृत्यु की आपने आवेदन दे रखा है, वो भी सीधा राष्ट्रपति को चाहिए। तो आपने इसको कैसे स्टार्ट किया? आपको पहली बार इस चीज़ का कब पता चला? उन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित किया कि मैं आधी रात को 1:30 बजे ग्वालियर आया हूँ। उसके मेरे पास फोटो भी है, जो वो मुरैना में इसका ये क्षतिग्रस्त होने से मेरी गाड़ी भी बची, उसके भी मेरे पास फुटेज है। बस कर सकते हैं, आपको सरकारी नौकरी है, सरकार ने आपको वर्दी दी है आम नागरिक की समस्या को हल करने के लिए, ना कि आम नागरिक को फंसाने के लिए किसी भी झूठे केस में। सही बात, सही बात। सिर्फ उन्होंने भूमि माफियाओं का नाम पढ़ लिया, और नाम पढ़ते ही वो किस तरीके से लिखा कि भूमि माफियाओं का नाम ये ऐसे लिखा हुआ है, और उन्होंने तुरंत वो आवेदन इनको वापस भी कर दिया। वाह, ताली बजानी चाहिए ऐसे ऑफिसर के लिए। वाह, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपका लेवल 17वें नंबर पे है, आपने इस पे सील साइन करने से मुझे मना क्यों किया? मैंने आप मना करने का समझ रहे हैं, मैंने ये भी उनसे सीधा सील साइन लगाने के भी मना कर दिया। हाँ, तो मैंने उन्हें सीधा निर्देशन दिया, मैंने कि आप चिंता ना कीजिए इस चीज की। आपकी वीडियो और आप काफी सारे न्यूज चैनलों ने आपका जो है इंटरव्यू ले रखा है, काफी सारी वीडियोस भी आपकी वायरल हो रखी हैं, और 2-4 पेपरों में भी। मैं ये पूछना चाहूंगा, आपके मन में अभी तक आज की स्थिति में आपकी कितनी संतुष्टि है? लगता है कि हाँ, इस पे कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा, या कह लें या हमारे और भी राष्ट्रपति जिनके लिए आपने ये आवेदन दे रखा है? तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन सिंह जादौन, जो हमारे बड़े भाई। ये वो शेर हैं जो शेरों की तरह धाड़ना, किसे कहते हैं अकेला, वन मैन आर्मी, आप जानते हो, वन मैन आर्मी की तरह इन्होंने किस तरीके से पुलिस प्रशासन, भूमि माफिया, इन सब को एकत्रित कर दिया। सब ऐसे थर थर से कांपने लग गए। तो इसी तरीके से भाई से बात करते हैं, आपसे लाइव जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुंवर जी में। नमस्कार भैया। भैया, मैं आपकी वीडियो देखी और आपसे काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, और आपका ये जो मैटर बना हुआ है भूमि माफियाओं के द्वारा आपको इच्छा मृत्यु की आपने आवेदन दे रखा है, वो भी सीधा राष्ट्रपति को, ये बहुत बड़ी लेवल की बात हो जाती है। तो मैं जानना चाहूँगा, और हमारे सामने ये दर्शक सभी जो जुड़े हुए हैं वो सभी ये जानना चाहेंगे, आपके साथ ये मैटर कब से स्टार्ट हुआ था, और ये कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब आपके मन में ये हुई कि ये जो चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है, इसका कहीं ना कहीं विरोध होना चाहिए, तो आपने इसको कैसे स्टार्ट किया, आपको पहली बार इस चीज़ का कब पता चला? जी, ये सितंबर 2022 का मामला है, जिसमें मैंने काफ़ी आवेदन सितंबर अक्टूबर माह में दिए। ये मैंने उन्होंने आला अधिकारी, अपना SDM साहब, नगर निगम आयुक्त, तहसीलदार, ग्वालियर लेवल पर जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको मैंने प्रस्तुत किए। उसके बाद इन पे कार्रवाई लती हुई काफ़ी, इसमें मैंने ये इसके लिए CML प्लान भी लगाई, लेकिन काफ़ी इन पे बढ़ोतरी ना करते हुए इनको छाटवाट करके इनको कटवा दिया गया। कहीं ना कहीं लोगों का संग उनसे भी रहा। जी, जिसमें ZO वगैरह शायद देखते हैं, जो भी है उनके द्वारा शायद कटवा गया। फिर उसके बाद ये नवंबर माह की बात है, जब ये SDM साहब के निर्देशन पे, जब RI साहब को निर्देश दिया गया कि आप जाइए सीमांक करिए इसका जमीन का, वार्ड 65 में नगरी पाड़िया पर, उसका उनके निर्देशन में कार्य हुआ। लेकिन जब इसका सीमांक किया गया ठीक रूप से, तो उसमें ये बाउंड्री वॉल जो है दोनों तरफ का, ये गलत पाया गया, जो कि एक तरफ शासकीय नाला निकला हुआ है सरदार की मल्टी के पास, इस तरफ जो दूसरी साइड है, इस तरफ आम रास्ता जो निकलता है रोड, RCC का रोड, उस पर ने अतिक्रमण करके वहाँ भी बाउंड्री वॉल को आगे तक बढ़ा लिया है, जो एक तरफ से गलत था। जी, तो इस पर मैंने आवेदन दिए, कार्रवाई भी हुई लगातार, लेकिन उस पर मेरी माँ को काफ़ी गंदी और भद्दी गालियाँ दी गईं, जिसका मुझे अभी इसी साल इसका मुझे मालूम चला है, ये 20 अगस्त को, जो मेरे रहवासी एक हैं, पीछे मैं उनका नाम नहीं लेना उचित समझूंगा। एक मिनट, थोड़ा मैं आपको थोड़ा टोकना चाहूँगा, आपको जो गाली दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी गालियाँ? ये मनीष दीक्षित द्वारा मेरी माताजी को गालियाँ दी गई थी, माँ बहन की, कि ये अगर मैं जमीन काट रहा हूँ तो इसमें नवीन को क्या आपत्ति है। इसमें माँ की भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, जो कि मैं न्यूज पर इस चीज़ का खुलासा नहीं कर सकता, ये बड़ी उत्तेजनापूर्वक गालियाँ थी। जी सर, उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं है, उसके बाद फिर अभी पूर्व में भी इनने
काफ़ी सीमांकनों पर गड़बड़ियाँ की हैं, जैन कॉलोनी में भी की हैं, उसके बाद जो मैंने अभी डाला है इसका सरदार की मल्टी के पास नाला भी गिरा है, इसके बाद फिर अभी वर्तमान में इनका अतिक्रमण चल रहा था 1130 सर्वे नंबर सिकंदर कंपू में ओडराकोटी हाउस, उस पे अतिक्रमण पे मेरे एक मित्र हैं बचपन के यार हैं, उन्होंने उस पे अपनी मुहिम चलाई और उसको क्षतिग्रस्त भूमि को करवा दिया 700-600 वर्ग फुट उन्होंने क्षतिग्रस्त भूमि कराई। हाँ, तो इनके मनीष दीक्षित, दीपक तिवारी, मुक्कू शर्मा को ऐसा लगा कि ये भूमि का सारा क्षतिग्रस्त मेरे द्वारा किया गया जो भी है, तो उन्होंने एक बार आप ये नाम दोबारा रिपीट करेंगे, क्या क्या नाम था मनीष दीक्षित? ये मनीष दीक्षित सन ऑफ श्री रामस्वरूप दीक्षित, दीपक तिवारी सन ऑफ श्री सतीश तेगुनिया और मुक्कू शर्मा रहवासी हैं ये गुड़ा के, मुक्कू शर्मा, बाकी ये दोनों रहवासी हैं सिकंदर कंपू राजपूत कॉलोनी के इधर के पास के। उसके बाद इन्होंने जी सिकंदर कंपू नगरी पड़ी, उसके बाद इन्होंने जो मेरे एक मित्र हैं बचपन के, उन्होंने जब इस पर मुहिम चलाई सरदार की मल्टी, ये अपना सिकंदर कंपू कोडरा हाउस 1130 सर्वे क्रमांक, उन्होंने क्षतिग्रस्त करवा दिया, अखबार वगैरह में इसकी भी उसकी हेडलाइन बनी हुई है 12 जून की लगभग की, तो इन्होंने द्वेषात्मक भाव से कहीं ना कहीं मेरे को क्षति पहुंचाने के हिसाब से मेरे खिलाफ इन्होंने एसपी साहब या एसडीए या सीएसपी साहब के यहाँ मेरे लिए मेरे खिलाफ आवेदन प्रस्तुत किया कि 10 लाख रुपए की मानहानी का, मतलब वो 10 लाख रुपए की मांग का आवेदन इन्होंने प्रस्तुत किया कि नवीन यादव ने मेरे ऑफिस पर आरोप आपके लिए जी आपके लिए झूठा आरोप दिया 10 लाख रुपए की मांग का जी इसके लिए मेरे को काफ़ी प्रताड़ित किया गया था 30 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक लगातार गिरवाई थाना के जो ये थानेदार हैं जो दीवान जी हैं उन्होंने मुझे लगातार करीबन 8 बार फ़ोन लगाया जिसकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा ये मनीष दीक्षित ने आपके खिलाफ आवेदन दिया है, आप आइए। जो दीवान जी हैं जी सर भैया, जो दीवान जी हैं उनका क्या नाम बताना चाहोगे आप? ये कमल कुशवाहा दीवान जी, कमल गिरवाई थाना जो दीवान जी हैं गिरवाई थाने के जी सर। तो उन्होंने काफ़ी मुझे प्रताड़ित किया, मैं उस समय अपने गांव में था, किसी गंभीर बीमारी से मेरा जो जानवर है भैंस उसके कारण मैं ग्वालियर नहीं आ पा रहा था, इसका मैं लगातार उनसे मना भी कर रहा था, उन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित किया कि मैं आधी रात को 1:30 बजे ग्वालियर आया हूँ। उसके मेरे पास फ़ोटो भी है जो मेरी गाड़ी जिससे मैं अपने जानवर को और अपना जो राशन पानी है गाँव से मैं अपनी खेती का सामान भर के लाया, तो मेरा वो मुरैना में इसका ये क्षतिग्रस्त होने से मेरी गाड़ी भी बची, उसके भी मेरे पास फुटेज है, बरसात के दौरान मेरी गाड़ी गड्ढे में हो गई थी, तो उस दौरान बेचारे राह चलते आदमी मिले मुझे करीबन 8, उन लोगों की मदद से रस्से वगैरह बांध के उस गाड़ी को जैसे तैसे वापस लाया गया। यहाँ जब मैं ग्वालियर आ गया तो दीवान जी कमल कुशवाहा जी ने मुझे सुबह फ़ोन लगाया 9 तारीख को कि आप आ जाइए, 8 या 9 तारीख को कि आप आ जाइए, मैंने कही श्रीमान जी मैं अभी आया हूँ ग्वालियर, थका हूँ, मैं अभी आपके पास आता हूँ, ये मेरे पास पूरे कॉल रिकॉर्ड हैं जितने भी मेरे मौजूद हैं। उसके बाद आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है? कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास पूरा मौजूद है इनका, इनके खुद के नंबर से फ़ोन आया ना कि मैंने लगाए हैं, तो इन्होंने बोला कि एक काम करो आप ये फेसबुक पे ये पोस्ट है इनकी क्यों डाल रहे हैं मनीष दीक्षित की, मैंने भाई साहब ये कहाँ गलत है आप बताइए, इन्होंने अभी पहले भी कब्जा किया जैन कॉलोनी में, अभी पूर्व में भी किया और अभी वर्तमान में भी इन्होंने कोडरा हाउस पर किया था, कहाँ से अरे आप ये बंद कीजिए ऐसे वो, आपके खिलाफ कोर्ट में आवेदन दे रहा है, तो भैया मुझे ये बताइए कोर्ट केस होता है तो भाई उसमें कम से कम इसके लिए पुलिस प्रशासन पहले लगा हुआ है, इतना अमला लगा हुआ है, कम से कम वो ठोस कार्रवाई तो करेगी, तब तो कोर्ट में केस जाएगा कि ऐसी पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है, मानना है मेरा कि जहाँ तक है कमल कुशवाहा दीवान जी का कुछ शायद इनके खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ आवेदन जो उचित कार्रवाई करने चाह रहे थे ये उनके संदर्भ में ही बोलना चाह रहे हैं उनके फेवर में करके। फिर इसके बाद मैं जब गिरवाई थाने के लिए गया, ये गिरवाई थाना प्रभारी जो थी उस टाइम पे ये प्रीति भार्गव जी थी, तो मैं थाने पे ये 10 तारीख को सुबह करीबन 8:30 बजे इन्होंने बोला कि नवीन भैया आप आ जाइए, 9:30 बजे आप आ जाइए, मैं थाने पे आ गया हूँ, तो मैंने कहा ये बताइए किस चीज़ में, बोला आप आइए आप अपने कथन दे जाइए, इन्होंने जो आपके खिलाफ आवेदन दिया है, तो मैं भैया आवेदन तो गलत है, मैंने आवेदन तो गलत है, मैं आवेदन में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने ऐसा 10 लाख का माना उसका बोला कि मैंने मांग की है इनके ऑफिस पर, तो मैंने कि सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो ना इनसे, इनके यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं 2 साल से, तो बोला अरे आप उनको छोड़ो, तो वो थोड़ा हड़बड़ाहट भी की उनने मेरे से फ़ोन पर, तो मैं समझ गया कहीं ना कहीं त्रुटि है, तो उन्होंने मुझसे ये भी बोला, बोले नवीन भैया वो मना कर रहे हैं मनीष दीक्षित 10 लाख रुपये की मांग पर, मैंने मना करने से क्या होता है, मैंने अभी मैं बोल दूँ कि किसी ने मुझ पर गोली चलाई और मैं किसी को भी फालतू फंसाऊँ तो ये गलत है ना, कोर्ट और ये कोर्ट है पुलिस प्रशासन ये किस चीज़ के लिए, मजाक थोड़ी चल रहा है इस देश में, प्रशासन ये क्या करना चाह रहा है इसमें, फिर ठीक है फिर उसके बाद फिर दो भावनाओं से ये अभी भी नहीं डरे, तो इनके एक साथी हैं मुक्कू शर्मा जी जो गुड़ा के रहवासी हैं, वो भी इनके पार्टनर हैं, तो उन्होंने एक जी मुक्कू शर्मा, वैसे शायद उनको मुकेश शर्मा कहा जाता है, ये रहते हैं गुड़ा पे,
ये अपना एक मिनट रुकिएगा, मैं वीडियो इसलिए रोका हूँ, आप लोगों को छोटी सी बात बोलनी है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग शासन प्रशासन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, और आप लोग ऐसी ही एक्सक्लूसिव न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम है कुंवर जी, आपको दिख रहा होगा। और साथ ही आप अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे हमारे इस फेसबुक पेज को सपन सिंह जाधव को फॉलो जरूर करते रहिएगा और पाते रहिए ऐसी ही एक्सक्लूसिव न्यूज वो भी। चलिए, और हाँ, इसके बाद एक और खुलासा करना चाहूंगा, बहुत ही बड़ा, जो ऐसी ही जमीनी विवादित से जुड़ा हुआ है और काफी सारे 5-6 लाख रुपए का उन्होंने घोटाला भी कर रखा है। तो ये सारी चीज मैं आपको एक्सक्लूसिव करता रहूंगा, तो साथ ही साथ आप फॉलो भी करते रहिए। और ये एक्सक्लूसिव न्यूज है जो आपको हर तरह की न्यूज आपसे मैं अपडेट कराने वाला हूँ, और ये करा ही रहा हूँ लाइव। आप नवीन सिंह जाधव के मुंह से ये सब सुन रहे हैं। जी भाई साहब, आगे जी। इसके बाद क्या है, इन्होंने झूठे आवेदन दिए, उस पर दीवान जी ने खुद स्वीकार किया कि मनीष दीक्षित जी मना कर रहे हैं कि ऐसा आवेदन कुछ नहीं है, वो गलत है ये वो। तो मैंने बोली ये तो फिर गलत है, मैंने कहा एक काम कीजिए, आप मेरे खिलाफ आप एक काम कीजिए, 41 है वगैरह जो भी होता है लीगल नोटिस आप मेरे घर भेज दीजिए, मैं आ जाऊँगा कथन देने, जो भी कथन देना, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो बोल रहे हैं कि आप मुझे लीगल नोटिस मुझे भेज दिया जाए, ऐसा कहा आपने? जी सर, जी सर, बिल्कुल, कॉल रिकॉर्डेड है, ये इन्हीं के नंबर से पूरे कॉल रिकॉर्डेड है। फिर उन्होंने आपको 41 का लीगल नोटिस आपके घर पे भेजा? लीगल 10 जुलाई 2024 से लेके अभी तक कोई भी लीगल नोटिस या कोई भी मेरे पास आवेदन प्रस्तुत, जो दीवान जी हैं गिरवाई थाने के, कमल कुशवा दीवान जी, जो कि बराबर लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन आज तक कोई भी आवेदन या नोटिस जारी करके मुझे थाने नहीं बुलाया। अच्छा, क्या नवीन जी आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इनसे या तो डर रहा है या कुछ तो घूस खा रखी होगी? क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? ये ऐसा देखो, बोलना तो उचित नहीं होगा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पे, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि प्रशासन अगर एक ही तरफ कार्रवाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो दूसरात्मक तो भावना भी ऐसे निकालना चाह रहे हैं। सही बात है, एक तरफा वो कैसे कर सकते हैं? आपको सरकारी नौकरी है, सरकार ने आपको वर्दी दी है आम नागरिक की समस्या को हल करने के लिए, ना कि आम नागरिक को फंसाने के लिए किसी भी झूठे केस में। सही बात, सही बात। लगता तो खैर है कि यहाँ कहीं ना कहीं तो इनका है कुछ, हो चाहते हैं लोगों से क्या है, कुछ तो ना कुछ हो सकता है। जी सर, बिल्कुल ऐसा लगता है। हालांकि इस चीज की पुष्टि नहीं की जा सकती कि इन्होंने कुछ ले दे के कर कुछ करवाया होगा या ऊंचा उनके पास जो उल्टा केस 10 लाख की मांग का जो किया होगा, कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। इस चीज की पुष्टि नहीं की जा सकती कि उन्होंने कुछ रिश्वत खाई है या नहीं खाई है, या तो ये दो ही शब्द हो सकते हैं इस चीज में, या तो पुलिस इसमें खुद रिश्वत खाई हुए बैठी हुई है, या फिर पुलिस इन भूमि माफियाओं से डर रही है। और अगर इसी तरीके से पुलिस प्रशासन ऐसे भूमि माफियाओं से डरता रहा तो फिर क्या होगा ऐसे इंसानों का? आम आदमी का तो जीना ही दुश्वार हो गया। इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारी सरकार को। और ये जो आज एक भाई के साथ हुआ है, पता नहीं और कितने लोगों के साथ ये लोग भूमि माफिया कर चुके होंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज पे हमारे प्रशासन को ध्यान से देखना चाहिए और ध्यान से इस पे कार्रवाई भी करनी चाहिए। इस पर मैं ये संक्षेप में कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इनका भू माफियाओं से कहीं ना कहीं इनका मेल जोल है, क्योंकि ये कोई भी आवेदन पर कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं, ये आवेदन को भी दबाना चाह रहे हैं, लेकिन उस आवेदन की एक प्राप्ति मेरे पास स्वीकृत है। इस एवज में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रशासन को अभी तक करीबन कल से लेकर आज तक 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से शासन भी कहीं बसता नजर आ रहा है। मुझे SP साहब के यहाँ आश्वासन तो दिया गया था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द हम करेंगे, और टीम भी गठित की गई थी, लेकिन मुझे ना के बराबर ऐसा लगता नजर आ रहा है, क्योंकि 36 घंटे अभी तक बीत चुके हैं। सही हो सकता बात, है सही अगर कुछ ही पलों मेरी हत्या कर दी जाए तो उसका दोषी कौन होगा? क्या शासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कुछ ना कुछ हो सकता है। और नवीन भैया, मैं एक बात और आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए, क्या आपने नजदीकी थाने में कंप्लेंट, कोई आवेदन, कोई लिखित में आपने कोई कंप्लेंट दी हो? जी जी। तो ऐसा कुछ किया आपने? जी हाँ, मैं तकरीबन ये 22 अगस्त को एक आवेदन लेके गया था गिरवाई थाना में, तो 22 अगस्त को तो मैंने बाकी लोगों के यहाँ लगा पाए, तो उस समय ये समय कबाब होते हुए मैं 30 अगस्त को देरी से पहुँचा। ये समय था तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे थे, उस समय मैं जब इनके पास आवेदन लेके पहुँचा तो वहाँ थाना प्रभारी प्रीति भार्गव जी मौजूद नहीं थी, हो सकता कहीं ड्यूटी पे गए, तो मैंने वहाँ जी तो उस समय वो हो सकता कहीं ड्यूटी पे और तैनात हो, तो उस समय मेरे को ये राजकुमार सोनी जी जो कि वहाँ बैठे हुए थे, जो आवक जावक शाखा है वहाँ पर आवेदन लेने का काम उन्हीं का बनता है, तो उन्होंने मेरा आवेदन हाथ में लिया। हाथ में आवेदन लेके पढ़ने के बाद जब इन्होंने पढ़ा कि भू माफिया का नाम लिखा है,
मनीष दीक्षित दीपक तिवारी जी का इन्होंने नाम पढ़े मुक्कू शर्मा वगैरह के, नीचे लिखा कि मैंने आत्महत्या के लिए राष्ट्रपति जी को आवेदन दिया हुआ है। इन्होंने पूरा आवेदन पढ़ने के बाद सीधे से मेरे हाथ में वापस थमा दिया। तो मैंने ये बोला कि आपके थाने के लिए आवेदन आया, आप आवेदन जमा कीजिए। तो बोल रहे नहीं, हम आवेदन जमा नहीं कर सकते। मैं बात कर रहे हो भाई साहब, उसने पढ़ लिया, वो जो ऑफिसर जो भी थे उन्होंने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद भी आपको आवेदन वापस दे दिया। ये सीसीटीवी फुटेज में मैं सीधा कोर्ट तक इनको लेकर जाऊंगा, सभी लोगों को। मैं इतने से नहीं मानने वाला, भले ही ये जमीन को ये एसपी साहब ने निर्देशन तो दिए हैं, इनको चड्डा साहब जो डीएसपी साहब हैं उनको निर्देशन दिए हैं तत्काल एक के प्रभाव से ये जो भी है इन पे दोषियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ये इनके हिसाब से तो कार्रवाई होगी, लेकिन मैं सीधा कोर्ट से कार्रवाई चाहूँगा इनकी करवाना। मैं शांत नहीं बैठने वाला इनके लिए। तो उसमें क्या है, जैसे कि इन्होंने जो बिल्कुल, और आप दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा, ये कितनी बड़ी बात हो जाती है जब कोई एक जब कोई एक अफसर और आवेदन को ले ले और पढ़ने के बाद फिर वापस दे दे, जिसमें बिना कुछ कार्रवाई किए हुए, ना बिना कुछ कार्रवाई करते हुए, ना ही कोई सोल्यूशन बताते हुए, सिर्फ उन्होंने भूमि माफियाओं का नाम पढ़ लिया, और नाम पढ़ते ही वो किस तरीके से हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि डरना, डरना किसे कहते हैं, जहाँ देखा कि भूमि माफियाओं का नाम ये ऐसे लिखा हुआ है, और उन्होंने तुरंत वो आवेदन इनको वापस भी कर दिया। वाह, ताली बजानी चाहिए ऐसे ऑफिसर के लिए, वाह बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद क्या हुआ ये भाई? राजकुमार सोनी जी जो कि वहाँ अधिकारी वहाँ मौजूद थे, उनको मैंने दिया आवेदन, उन्होंने पढ़ने के बाद जैसे ही मुझे वापस किया, मैंने सीधा मेरा जवाब था, मैंने आपने आवेदन वापस क्यों किया, इसको रिसीविंग आप कीजिए, आप जमा कीजिए, आपके थाने के लिए आया। बोले नहीं, हम जमा नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने कही आप हाई कोर्ट से बड़े हैं क्या, इतना आपको हक है क्या कि आप आवेदन वापस? बोले मतलब क्या आपका कहने का? नहीं, मतलब ये इस पर ये सील साइन जो लगे हुए हैं, क्या ये मजाक चल रहा है? बोले मतलब, मैंने कही सीधा राष्ट्रपति से लेके मैंने नीचे साहब सिंह गुर्जर जो यहाँ के ग्वालियर वार्ड 63 के हमारे ग्रामीण के ये अपने विधायक साहब है, मैंने कि इनके यहाँ तक से मुझे सील सिक्के लग चुके हैं, इनके टीप मिल चुकी है, लेकिन आपका लेवल 17वें नंबर पे है, आपने इस पे सील साइन करने से मुझे मना क्यों किया? मैंने आप मना करने का समझ रहे हैं, मैंने ये भी उनसे सीधा सील साइन लगाने के भी मना कर दिया। हाँ, तो मैंने उन्हें सीधा निर्देशन दिया, मैंने कि आप चिंता ना कीजिए, इस चीज को इस मुद्दे को उठा के मैं सीधा कोर्ट तक ले जाऊंगा, मैं अभी अपने साहब को भी फोन लगा देता हूँ। मेरे एक साहब है, मैं उनका नाम नहीं, भाई क्या आप एक बार उनका नाम दोबारा से रिपीट करना चाहोगे? क्या नाम बताया आपने ये ऑफिसर का? ये राजकुमार सोनी गिरवाई थाना, इनका राजकुमार सोनी गिरवाई थाने पर मौजूद थे। ओके, ये दोपहर में। ओके भाई, कंटिन्यू। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, इन्होंने आवेदन वापस, मैंने कि मैं इतने से नहीं रुकने वाला, मैंने कि अभी आप नहीं मान रहे तो मैं बाहर से सीधा लाइव चला देता हूँ फेसबुक पे। तो बोल रहे ठीक है, मैंने ठीक है। जैसे ही मैं बाहर आया तो मेरे अफसर का मेरे पास फोन आया, एक अधिकारी का मेरे पास, बोला क्या हुआ? मैंने सर आपने बोला था कि आप आवेदन सब जगह दे देना विभागों में, मैंने दे दिया, हालांकि वो अधिकारी इतने उच्च लेवल के हैं कि ये लोग उसमें हाथ भी नहीं डाल पाएंगे, उनका सीधा हाईकोर्ट से कमान है। उनने मेरे से पिछले माह बोला भी था कि आप नवीन इतने प्रताड़ित हो, आप मेरे से जुड़े हुए, मेरा काम देखते हो क्या? मेरा श्रीमान जी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरा छोटा मोटा काम चलता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो मेरा साहब के यहाँ पे भी काम चलता है। साहब ने मुझे सीधा आश्वासन दिया था कि अगर आपको परेशानी आ रही है, एसपी वगैरह नहीं सुन रहे हैं, मेरे पास आवेदन की कॉपी भेजिए, मैं सीधा डीजी को फ़ोन लगा के मैं भी वो ले देता हूँ। तो मैंने कहा सर आप दीजिए, मैं साहब आपका लेवल इतना उच्च है कि ये लोग नहीं झेल पाएंगे श्रीमान जी, मैं नहीं चाहता इतने उच्च लेवल से आप कार्रवाई करवाए। मैं श्रीमान जी जो भी है पीटासीन अधिकारी जो भी ग्वालियर के हैं, मैं चाहता हूँ सीधा जो भी है अपना कागजों की कार्रवाई जो होती है नॉर्मल इस तरीके से हो जाए। मैं श्रीमान जी मैं नहीं चाहता, मैंने ये आपका लेवल नहीं उस समय ये जो आपका लेवल रहे वो उसको नहीं झेल पाएंगे, इसके लायक ये नहीं है, ये नहीं झेल पाएंगे। हाँ, हकीकत बात ये है, सही बात, ये उसको नहीं झेल पाएंगे। तो मैंने सोचा है ऐसा ना करके मैंने किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को ना दबाया जाए, तो मैंने उनके माध्यम से आवेदन उनको दिए नहीं है आज दिन तक। हालांकि मुझे मालूम है आधी रात को उन्हें फ़ोन कर दूँ तो वो मेरी बात को नहीं काटेंगे, उनके मेरे से संबंध ठीक ठाक, लेकिन मैंने कहा ठीक है श्रीमान जी आप रहने दीजिए, मैं जब मुझे लगेगा कि एसपी साहब या फिर कोई भी नहीं सुन रहे हैं, मैं लास्ट में श्रीमान जी मैं आपको बोल दूंगा, फिर आपसे जो हो मैं मना नहीं करूंगा, उस हिसाब से आप कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करवा दीजिए। क्या एक बार एसपी साहब के यहाँ पे भी ज्ञापन वगैरह मैंने सोचा इनको सूचित करें, वरना एसपी साहब देखो वो भी हालांकि प्रशासनिक अधिकारी वो भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाएगा उनको कि ये ऐसा इन्हें कदम उठाया, काफ़ी हमें कानों तक खबर दे, तो उनको कानों तक खबर देना भी जरूरी है। जब इस पर कार्रवाई अब 7 दिनों का मैंने, तो क्या नवीन भैया आप एसपी ऑफिस गए हुए थे, तो एसपी ऑफिस में आपने जब आवेदन जो आवेदन था जो आपने दिया, तो एसपी साहब का क्या कहना था? एसपी साहब का वहाँ पर कुछ कहना नहीं था, जैसे ही मैंने आवेदन दिया उस पर सील साइन करके दे दिए गए।
उस पर कोई आश्वासन नहीं। जैसे ही उन्होंने एसपी साहब के नीचे जो एडिशनल एसपी साहब थे वो उन्होंने जब देखा न्यूज के सामने ये लड़का खड़ा है, आम आदमी खड़ा है, इसका इतना फुटेज बन रहा है, कहीं हमारे आला अधिकारी की नौकरी का या किसी का जानमान का खतरा हमारा नहीं आ जाए, मतलब नौकरी का जानमान का खतरा तो इसमें पैदा ही नहीं होता, बोले नौकरी का खतरा या नौकरी पे कुछ संदेह ना आ जाए, तो इसके लिए फिर वहाँ जो खड़े थे शायद एडिशनल एसपी वगैरह जो भी थे उन्होंने सीधा बोला आपको एसपी साहब सीधा फोन लगा रहे हैं, आप आइए सीधा अंदर कमरे में बात कीजिए। मैं जी सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने कि मैं वीडियोग्राफी वगैरह चली थी उसमें थोड़ा बिजी था, जाके मैं एडिशनल एसपी साहब से जब मैंने संपर्क साधा मैं बताइए सर, तो बोला ये आप इतने परेशान हैं क्यों परेशान, मैं श्रीमान जी कुछ नहीं शासकीय भूमि को दबाया गया है। बोले किन्ने दबाया, तो मैंने इन तीनों के नाम बोले, मनीष दीक्षित, दीपक तिवारी वगैरह के, तो बोले अच्छा ऐसा तो नहीं है कि ये आप सोच रहे हैं इनसे ज़मीन खाली करा के आप उस पर कब्जा कर लें। मैंने श्रीमान जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप चाहें तो वहाँ का मैं पंचनामा जो भी बनता है मैं उसको प्रस्तुत करवा सकता हूँ बनवा के। हाँ मैंने कि मेरा मकान काफ़ी दूर है, आप उस क्षेत्र में पता कर लीजिए मेरे बारे में, मैं अतिक्रमण के मामले से दूर रहता हूँ, मेरा ये काम ही नहीं है, मेरा सीधा इलेक्ट्रिसिटी का काम है छोटा मोटा। बोला अच्छा आपका लाइट का काम है, इन लोगों का क्या काम है, मैंने ये लोग ऐसे ही भूमि काटते हैं शासकीय भूमि देखते हैं इधर उधर दोनों तरफ खुर्द मुर्द करके, इनका यही काम है, पहले पूर्व में भी ये काट चुके हैं जैन कॉलोनी में, उसके बाद इस पर राधे राधे कॉलोनी के पास सरदार की मल्टी पेनाला खेजला जिनका मैंने आवेदन आपको प्रस्तुत किया, उसके बाद अभी 11 जून को जो कि कोडरा हाउस 1130 सर्वे क्रमांक जो कि नस्तो नाबूद कर दिया गया ये तहसीलदार और कलेक्टर साहब के कहने पर, तो उसके बाद फिर इन्होंने मेरे खिलाफ आवेदन दिए द्वेषात्मक भावना से सर, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने के मैं निर्देशन देता हूँ, आला अधिकारियों को उन्होंने बोला भी फ़ोन कीजिए जल्द से जल्द संपर्क साधे, उसमें ये भी दोषी जो भी हैं वो लोग उनके खिलाफ कल्टी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके लिए अखबारों में भी आज पोस्टिंग छप चुकी है और न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मेरे पास भी फुटेज उनकी आई है पूरे। जी जी मैंने देखी थी आपकी वीडियो और आप काफ़ी सारे न्यूज़ चैनलों ने आपका जो है इंटरव्यू ले रखा है, काफ़ी सारी वीडियोस भी आपकी वायरल हो रखी हैं और दो चार पेपरों में भी मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी हुई है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आपके मन में अभी तक आज की स्थिति में आपकी कितनी संतुष्टि है आपके लिए कि हाँ अभी आप सेफ भी हो, और दूसरी बात आपको कितना लगता है कि हाँ इस पर कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा या कह लें या हमारे और भी राष्ट्रपति जिनके लिए आपने ये आवेदन दे रखा है, तो कितना तक प्रेशर बना है इनके ऊपर और कितना तक ये आपकी बात मानने के लिए तैयार भी हैं, क्या किसी लोग की अभी तक आपके पास धमकी आ रही है, क्या अभी धमकी और पिछले से जो चल रही है आपके लिए तो प्रेजेंट में किसी ने आपको अभी धमकी देने की कोशिश की है? ये प्रेजेंट में धमकी देने का तो अभी कोशिश किसी ने नहीं किया, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो लोग भी डरे सहमे बैठे होंगे कि कार्रवाई होने का आ गया है। आज कुछ समय पहले शाम का समय था कि उसी समय पर हाई कोर्ट वकील द्वारा मेरे पास कॉल आया उन्हीं के नंबर से, तो मुझसे बोला जा रहा है कि इस मुद्दे को शांत कर दो, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, चर्चाएं चल रही थी वकीलों की, तो उन्होंने बोला ये शख्स कौन है नवीन सिंह यादव इसका पता करो, नहीं है तो कुछ अपन भी कमा लेंगे और इस भाई का भी भला हो जाएगा। तो मेरे से उन्होंने बोला कि नवीन भाई आपको कैसे मामला शांत होगा, आप अपनी मुँह मांगी रकम बताएँ, तो मैंने सीधा इनकार कर दिया, मैंने मुँह मांगी रकम वहाँ होती है जहाँ कोई अपन को पैसा चाहिए या ज़रूरतमंद हो, अपन इतने सच्चा में हमें पैसा की ज़रूरत भी नहीं है, ये लोग कितना देंगे और क्यों देंगे, हम उस ज़मीन पे होते कौन है सरकारी ज़मीन पे पैसा मांगने वाले, अगर सरकारी ज़मीन पे पैसा मांगना होता तो इतने आवेदन इच्छा मृत्यु के वहाँ तक ना भेजते हुए मैं यहीं पर उल्टा लेता मामला, ये मुद्दा शांत नहीं होने वाला, ये सीधा मैं हाईकोर्ट तक लेकर जाऊँगा, जो भी सजा का इसमें प्रावधान होगा शासकीय जज साहब और वकीलों द्वारा वो उनको सजा का प्रावधान दिया जाए। इन्होंने मुझसे बाद में ये भी बोला आप अपनी इच्छा से बोलें कितना पैसा चाहिए, मैंने कही इच्छा से तो तब होता है जब पैसा मांगा जाए, जब मैं आपसे सीधा मना कर रहा हूँ कि नहीं है, उसके बाद उन्होंने काफ़ी प्रेशर बनाया कि बता दो हमें भी कुछ मिल जाएगा, वकील भी बोल रहे हैं और भी बोल रहे हैं हाई कोर्ट के वकील कि बात कर लो मामला सुलटा देते, मैंने कही मेरे मोबाइल में बैटरी भी कम है, मैं आपसे बाद में बात करूँ, मुझे बात करना नहीं है, नहीं आप बताओ 8-10 लाख ले लो हम उनसे बात कर लेते हैं कुछ हम भी कमा लेंगे, मैं 8-10 लाख किस चीज़ का पैसा चाहिए भाई, जब पैसे की मैंने कोई मांग ही नहीं करी है, ये वकील द्वारा खुद बोला गया, इसके मेरे पास तथ्य हैं और रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जो कि आज दिनांक को हुई है 4 तारीख को शाम को करीबन 5 से 6 बजे के बीच में, जो मैं कोर्ट में ये भी मौजूद करूंगा। लेकिन exactly जो उनके एक साथी हैं मनीष दीक्षित, उन्होंने करीबन सुबह 7 या 8 बजे के लगभग मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो जी हाँ, आपने स्टोरी भी डाली थी वो चीज़, जी। अब उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों डाली है मुझे इनका नहीं पता, हालांकि फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई भी भेज सकता है, अब प्रशासन अधिकारी जो भी एसपी साहब द्वारा निर्देशन दिए गए हैं तो लगता तो है कि कार्रवाई होगी,
लेकिन कल से लेके अभी तक जैसा कि करीबन 12 घंटे ये 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई आला अधिकारी किसी का भी फोन नहीं आया है, तो थोड़ा लगता है कि शायद कार्रवाई करने में देरी तो हो रही है, वरना अभी तक किसी ने मतलब आपका कहने का सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि अभी तक आपको संतुष्टि नहीं है और आपकी जान को अभी भी खतरा बना हुआ है। देखो खतरा तो बराबर बना हुआ है सर जी, उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं, पड़ोस से मैंने गवाह भी बोले तो उन्होंने किसी ने भी गवाही देने को मना कर लिया, क्योंकि जो जमीनी अतिक्रमण करता है उनमें से एक साथ मेरी गली में ही रहते हैं मनीष दीक्षित, तो उन्होंने गवाही देने के लिए पूर्व में मना किया जी, उन्होंने पूर्व में भी गवाही देने के लिए मना किया अभी भी, तो मैंने इससे बचने के लिए मैंने खुद अभी CCTV कैमरे लगवाए हुए हैं अपने मकान पर, कि जिससे कम से कम ये तो है तीसरी आंख ये तो बनेंगे मुझे बचाने के लिए अगर कोई घटना होती है, क्योंकि हो सकता है दुष्कर्म भावना से ये लोग भी मुझ पे कोई कार्रवाई फिर करवाना चाहे कि मैंने इसे धमकाया जो भी है, तो मेरे घर का CCTV फुटेज भैया मैं इस दौरान मैं अपने घर में हूँ भैया वो भी देख लीजिए आप, क्योंकि देखो सरकार करेगी कार्रवाई उससे अच्छा कि हमें भी कहीं ना कहीं अपना बचाव देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास भी काफ़ी समस्याएँ रहती हैं। बिल्कुल, मैं आपसे नवीन भैया एक ही बात और कहना चाहूँगा, आपको अभी सरकार अगर अगर मान लो हमारी ये वीडियो अगर हमारे कोई ऑफिसर वगैरह देख रहे हैं, कोई पुलिस प्रशासन अगर देख रहा है, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, और आप उनसे कितनी तक जो है कार्यवाही करवाना चाहते हैं और क्या चाहते हैं अभी आप शासन प्रशासन से? मेरा मानना तो ये है जैसा कि मैंने कल SP साहब के समक्ष भी बोला था, न्यूज चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को सबको अवगत कराया था जनता को कि जो भी शासकीय भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए जल्द से जल्द, वरना कहीं ना कहीं ऐसे ही अन्य भूमाफिया पनपते रहेंगे जो कि शासकीय भूमि को ऐसे ही कब्जा करते रहेंगे। यहीं कोई अगर गरीब जनता का मकान कोई बना लेता बेचारा तो उसको 2 मिनट में नस्तो नाबूद बिना शिकायत के नस्तो नाबूद 2 मिनट में करके फेंक देते, जो कि बेचारा अपना घर नहीं चला पा रहा है, जिसकी मजबूरी हो जाती है मकान बनाने की, उसको आप नस्तो नाबूद कर रहे हो। जो करोड़पति फर्म बैठे हुए हैं वो ऐसे ही करते हैं, उनके कागज भी भगवान जाने, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में कैसे उनकी फर्जी रजिस्ट्रियाँ भी हुई हैं, मेरे से उसमें से संपर्क भी साधा एक व्यक्ति ने सुबह कि मेरे पड़ोस में जो रहते हैं उनने एक रजिस्ट्री करवा ली, उनका पैसा खर्च हुआ उसी में, उनका भी मकान टूट जाएगा और एक है उनका प्लॉट भी टूट जाएगा, उनका प्लॉट भी सामने लिया हुआ है, उन्होंने करीबन उसकी रकम मुझे बताइए राशि 45 लाख के आसपास, तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए 45 लाख ये करीबन 2 से 2.5 करोड़ का जमीन दबाया हुआ है इन्होंने, कम जमीन नहीं है इस एरिए में, करीबन ये 4000 कहीं 3500 रुपये फुट चला रहे थे उस टाइम, तो 3500 के हिसाब से भी आप जोड़ोगे तो मरे से मरे आपका 1000 फुट 35 लाख का होता है, तो भूमि दोनों साइड है करीबन 2 से 2.5 करोड़ की भूमि है, इसका राजस्व को भी नुकसान हो रहा है, शासन को तो नुकसान है ही, इसके बाद कोई गरीब जनता बेचारा अपना मकान बना लेता तो उसकी तोड़ाई हो जाएगी मकान की, नुकसान उसे है कि भू माफिया जमीन बांट काट बांट के ये तो अपने निकल लेंगे जाने निकलना होता ये है। यही बात कहीं ना कहीं देखी जाती है जी, और आप सभी जानते भी होंगे कि यहाँ जो जितने भूमि माफिया हैं, जिस तरीके से ग्वालियर में कह लो या कहीं और भी कह लो, भूमि माफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन पता नहीं क्यों चुप्पी साध के बैठ जाती है, क्या प्रॉब्लम होती है, या तो ये पुलिस प्रशासन को खिला पिला के रखते हैं या फिर पुलिस प्रशासन इनसे डरता है, बात दोनों में से एक है। यही अगर कोई आम आदमी हो, कोई मेरे जैसा आपके जैसा या और भी कोई गरीब आदमी जिसकी मजबूरी बन जाती है कि वो अपना घर बना के रहना चाहे, जिसके पास ज़मीन नहीं होती, जिसके पास बनाने का पैसा नहीं होता, वो अगर ऐसी जगह पर बना ले तो उसको ऐसे पुलिस प्रशासन की तरफ से और ऐसे भूमि माफिया ऐसे लोगों की तरफ से बहुत जल्दी से जल्दी नस्तोनाबूद कर दिया जाता है। तो मैं यही सवाल करना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से, हमारे शासन प्रशासन जो भी हमें अगर देख रहे हैं तो उनसे कहना चाहूँगा, ऐसे भूमि माफिया जो यहाँ पे ऐसी तरीके से काम कर रहे हैं, इस तरीके से लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं, अगर उनके ऐसे कृत्य अगर सामने आ रहे हैं तो हमारे शासन प्रशासन को इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इस चीज़ को अनदेखा करना बिल्कुल भी कतई सही नहीं होगा, और शासन प्रशासन से यही मेरी निवेदन होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा नवीन भाई को प्रोटेक्ट करें, इनकी जान को खतरा है और इनको पता नहीं कब से कब क्या से क्या प्रॉब्लम हो जाए। बाकी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सच्ची कहूँ ऐसा जिगर ऐसा दिलेर इंसान शायद ही हमारे क्षेत्र में एकाध ही हो, क्योंकि जो आपने जो काम किया है ना ऐसे भूमि माफियाओं के खिलाफ, ऐसा जो कोई दिलेर ही आदमी कर सकता है, और ऐसे लोगों के लिए सीधा सीधा एक ही सवाल है, सीधा सीधा एक ही जवाब है, कोई भी इंसान अगर है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, आगे तो बढ़ो,
आगे बढ़ोगे तभी सफलता हासिल मिलेगी। जिस तरीके से अभी आप सब लोग देख रहे हो, ये भाई हैं 2 साल से लगे हुए थे, 2 साल से बराबर आवेदन दे रहे थे और बराबर तरीके से इनको इसी तरीके से प्रताड़ित भी किया जा रहा था। आपने देखा, भाई ने कहा इनको गाँव से उठवाने की भी कोशिश की, इनको जान से मारने की धमकी भी दी, काफ़ी सारी इनकी प्रॉब्लम रहती है। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन को इस चीज़ से अवगत कराना चाहेंगे और इस चीज़ को शासन प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान में लें, क्योंकि ये चीज़ कहीं एक जगह तो नहीं है, काफ़ी जगह ऐसी हो रही हैं और ऐसे भूमि माफिया जाने कहां कहां पनप रहे हैं। तो ऐसे भूमि माफियाओं की नाक में नकेल डालनी बहुत ज़रूरी है और ऐसे, मैं तो कहूँगा, ऐसे लोग तो गुंडे माफिया होते हैं और इनमें सिर्फ एक लोग इन्वॉल्व नहीं होते, इनमें ना जाने कितने कितने बड़े बड़े राजनेता भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उन राजनेताओं के लिए भी ये मैसेज है, कहीं ना कहीं आप संभल जाओ, सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो सुधारना भी ये भाई जैसे लोग इनको हमको आता है, अच्छी तरीके से आता है। लेकिन बस इतना ही कहूँगा, रिक्वेस्ट है शासन प्रशासन से, भाई की जान को ज़्यादा से ज़्यादा खतरा है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करें और ये जो भूमि माफिया है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं आपका भाई सबंजीक जादान चलता हूँ, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।